भाई ने आधा किलो का केक उतार दिया है, अब इसको ऑमलेट में कैसे प्रेजेंट करेंगे यही सोच रहे हैं सर आप? हाँ बिल्कुल, यहाँ तक पहुँच चुका है आपकी इंची के हिसाब से, 2 इंची। यस। और फादर साहब कौन से इसमें? जी हाँ, ये बगल में बनाते हुए ये मेरे फादर साहब हैं जिनके नाम से रन हो रहा है। जी हाँ, रन हो रहा है आज का। तो सिकंदर भाई क्या बना रहे हैं आज हमारे लिए आप? देखिएगा, स्वाद के सिकंदर के जायके बहुत है और बड़ी प्यारी प्यारी चीज़ें बनाना मेरा शौक बन चुका है। भैया आए चांदनी चौक, ये कह रहे हैं चांदनी चौक के अंदर बड़ी अटपटी अलग अलग चीज़ें मिलती हैं और बड़ी जायकेदार भी मिलती हैं। ये मेरी दुकान पे आ चुके हैं और कह रहे हैं कि ये दौलत की चाट। जी हाँ, मैंने चांदनी चौक में से निकला, दरीबे के अंदर एक दौलत की चाट वाला मिला और ऊपर से लगाता है केसर और पत्ता तैयार करके दे रहा था। कह रहे सिकंदर भाई क्या वो भी ऑमलेट बनाते हैं? मैं क्योंकि मैं तो स्वाद का सिकंदर आपको जो जायके दिखा रहा हूँ और मेरा काम है अंडों के अंदर दौलत की चाट को बनाना। अब पैसों वाली बात नहीं कर रहे, स्वाद के जायकों वाली बात कर रहा हूँ। औजार तैयार है और बनानी क्या है? दौलत की चाट। आइएगा, दौलत की चाट कैसे तैयार होती है और कैसे वो जाग पूरा पत्ता तैयार होता है और मैं आपको रगड़ रगड़ के दिखा रहा हूँ। आपने अक्सर ऑमलेट खाए हो मगर ऐसे ऑमलेट नहीं खाए होंगे जो मैं खिलाना चाहता हूँ। ये जो मसाले हैं आपके, जलौजी का बार बार नाम आता है, तो कितना संघर्ष किया आपने और उन्होंने? देखिए, उन्होंने तो बहुत, मैं कहूँगा कि बचपन से, मैं कहूँगा मेरी 6 साल की उम्र से जब मैं स्कूल का बैग पैकर करता था यहाँ पर बहुत काम होता था और उन्होंने 4 आइटम बेची हैं, ऑमलेट, सैंडविच, हाफ फ्राई और भुजिया, और मैंने पटरी पे से पापा के साथ काम किया है इस जायके को बनाना और फिर स्वाद के अंदर देना और फिर रात रात भर 2:30 बजे तक काम करना। मगर अंडों की वैरायटियों के अंदर उनको गिना जाता था, उनको कहा जाता था अंडों का सिकंदर। मैं बाबू जी को प्रेजेंट करता हूँ आज भी, क्योंकि जायका आपसे शुरू हुआ और आप तक ख़त्म करूँगा। ऐसे ही जायकों में बनेगी दौलत की चाट और ऐसी ऑमलेट तैयार करता हूँ जो आपने कहीं ना देखी हो। 6 साल की उम्र में आने लगे थे आप शॉप? जी हाँ, मैं 6 साल की उम्र में, मेरे फादर साहब पटरी पर काम करा करते थे, फिर रेड़ी लगाई, रेड़ी के बाद दुकान टूटी फूटी होती थी, मैं वो भी दिखाता हूँ आपको, तैयार करता हूँ। ये बैठे हैं भाई जी, और फादर साहब कौन से इसमें? जी हाँ, ये बगल में बनाते हुए ये मेरे फादर साहब हैं जिनके नाम से रन हो रहा है। जी हाँ, रन हो रहा है। ये आज का काम नहीं है, सैकड़ों साल पुराना। देखिए, 62 साल पुराना काम है, मैं आपको बताऊँ, मेरी 45 साल उम्र है, मगर आना और संघर्ष के साथ काम करना और ऐसे ही आइटम बनाना ऑमलेट के अंदर, ये आपने नहीं देखी होगी। देखिएगा, ये दौलत की चाट, आप चांदनी चौक आते हैं, ऑमलेट आपने किस किस ने क्या क्या वैरायटी खाई आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मगर ये चीज़ें बनाना आप ऐसे कर लेंगे क्या? मैं आपके सामने कर रहा हूँ, बताइए आप इससे ज़्यादा क्या करेंगे? ये देखो अब इससे ज़्यादा क्या ऑमलेट दिखाऊंगा? कौन कह देगा कि अंडे हैं जो इन्होंने अभी सिर्फ 5 मिनट पहले लिए थे? देखिएगा, मैं आपको और भी अच्छी चीज़ बना के दिखाता हूँ। कलाकारियाँ तो बहुत है और काम का हुनर वो बचपन से जिसकी नक्श रग रग में आया हो और वो अपने आप स्वाद में बनाना जानता हो तो उससे बड़ी क्या बात हो सकती है। मैं आपको वो चीज़ें दिखा रहा हूँ जिसको मेरे को तासीर में मिली है। कहते हैं कि किसी को हुनर मिलता है और किसी को गुण मिलते हैं, मगर मेरे को अपने बाबूजी से बहुत कुछ मिला है, वो है उनका आशीर्वाद। देखिएगा, आपने ऑमलेट तो बहुत खाए हैं मगर ऐसा ऑमलेट मैं कहता हूँ नहीं खाया होगा। आप कैसे सोच रहे हैं आप मुझे बताइएगा, अब क्या लग रहा है आपको कि सिकंदर भाई ने आधा किलो का केक उतार दिया है, अब इसको ऑमलेट में कैसे प्रेजेंट करेंगे यही सोच रहे हैं सर आप? हाँ बिल्कुल यही सोच रहे हैं। देखिएगा, आइएगा चलते हैं, क्योंकि ऑमलेट की जादूगिरी है और ऑमलेट का स्वाद है और ऐसी जादूगिरी के अंदर दौलत की चाट को बनाना, जी हाँ, और स्वाद के अंदर उसको देना। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मैंने राजीव भाई की तरह 25 अंडे ले लिए हैं और इसको अच्छी तरह निचोड़े जा रहा हूँ, बनाया जा रहा हूँ। लेकिन ये है कितने टोटल अंडे? ये टोटल मैंने रखे हैं इसमें 5 और 5 अंडे। जी हाँ, हम अक्सर 4 का बनाते हैं और मैंने आज ये 5 इसका इसलिए बनाया कि आप और आपका फ्रेंड आधा आधा खा लें। देखिएगा, जादू के अंदर उतरते हैं और अभी तो ये केसर लगनी है, क्योंकि जब दौलत की चाट का पत्ता दिया जाता है तो केसर को ऊपर से लगाया जाता है। आइएगा, उस केसर को भी तैयार करते हैं। देखिएगा, अभी इसके अंदर भी अभी थोड़ी थोड़ी बची हुई है, पहले ये ओके कर लें। उसके भैया अंडों का केसर है, आपने नहीं खाया, मैं आपको खिलाऊंगा। अब ये सोच रहे होंगे ये भी कैसे लगेगा, यही सारे दिमाग में चल रहा है ना आपके। आइएगा, इसको भी करते हैं प्रेजेंट और बड़े प्यार से इसको परोसते हैं, क्योंकि जायका स्वाद के सिकंदर का है तो अपनी चीज़ें बड़ी अच्छी तरीके से बनाना, खिलाना और उस जायके के ऊपर उतरना, ये मेरी पहचान बन चुकी है। ठीक है, ऐसे अंडे आपने नहीं खाए होंगे, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, आप मेरे साथ चलिएगा और कहीं ऐसे अंडे बनते हों तो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि कॉमेंट सेक्शन में ऑल पूरी इंडिया के अंदर ऐसे अंडे नहीं खाए होंगे। अगर खाए हैं तो आप कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये तो अपने व्यूअर्स को बड़ी मेहनत करके ऐसी ऐसी चीज़ें दिखा रहे हैं अंडों की वैरायटी के अंदर। आपने अगर नहीं खाई और फिर ऐसे भरपूर प्याज औरों की तरह थोड़े से नहीं डाले जाएंगे, इतने से डाले काम हो जाए, मगर मैं डालूंगा मुट्ठी भर के।
डालेंगे मिर्चे, धनिया, ये टमाटर, नमक, लाल मिर्च और ये बाबूजी का मसाला। जी हाँ, वही 15 से 18 मसाले और बाबूजी की चुटकी। जी हाँ, वही स्वाद जिससे मेरा पहचान है। क्यों? क्योंकि ये उनका आशीर्वाद है। और मेरे को ये कहा जाता था जब बाबूजी मेरे थे तो कहते थे हाथ से मसाले डालना एक कला है, पुरानी दिल्ली का स्टाइल है। आप कभी भी कोई आमलेट वाले को देखोगे तो वो अक्सर हाथ से नहीं चम्मच से मसाले डालता, यूँ करके यूँ डालेगा, यूँ करके यूँ करेगा। मैं वो नहीं करूँगा सर, मगर मैं आज आपको खिलाऊँगा स्पेशल ऑमलेट। जी हाँ, वो भी दौलत की चाट का। अब ये सोच रहे हैं कि ये टूटेगा, ये सोच रहे हैं आप भी कौन सी कंपनी की बैटरी है। हाँ भाई राजा, चार्जर खराब है उसका, चार्जर में लेकर आओ, तोड़ेंगे नहीं मगर बनाएंगे ऑमलेट। चलो सर मेरे साथ साथ, चार्जर दूसरा चेंज करके देखना पड़ेगा। देखिएगा ये जादू है स्वाद के सिकंदर का, मैं आपको बताऊँ, ये मेरे भाऊजी का दिया हुआ आशीर्वाद है। और इसको ऑमलेट में परोस के देना और आपको ऑमलेट में ये चीज़ें खिलाना, ये मेरी पहचान बन जाए। ऐसे ही मैं चीज़ें खिलाता रहूँगा और आप भी खाते रहिएगा। चीज लाओ, कटर निकाल दे, बस कटर। देखिएगा अब मैं लगा रहा हूँ चीज़, क्योंकि चीज़ का भी एक अपना ही पिज़्ज़ा में मज़ा आता है, मगर ऑमलेट में टेस्ट देना और अलग अलग जायकों में देना। आपने ऑमलेट बहुत खाए होंगे मगर मैं जो चीज़ दिखाऊंगा वो उस पर भी गौर कीजिएगा, क्योंकि ऑमलेट के अंदर मुझे जाना जाता है और ऑमलेट के जायके, जी हाँ यही मेरी पहचान है। और मैंने अक्सर इस कला को सीखने के लिए अपने बाबूजी से बहुत सी डांट खाई है। आइएगा, उस स्वाद की ओर लेके चलता हूँ और उस जायके को पूरा करता हूँ। ऐसे देखिएगा, आपने ऑमलेट तो बहुत खाए हैं मगर इतना हैवी ऑमलेट नहीं खाया होगा। मैं आपको फिर इंची में गिनवा रहा हूँ। देखिएगा इतनी, ये देखिएगा साइज जान से ले रहा हूँ, बहुत हैवी है, बहुत हैवी दिखाई दे रहा है ये। अभी तो बहुत पच्चीस दिन आएगा सर, मैं आपको बता रहा हूँ। आइएगा, प्लेट पे उतारते हैं और अपने बाबूजी का नाम भी लिखते हैं और प्रेजेंटेशन भी लेके चलते हैं, क्योंकि ये ऑमलेट देखिएगा कहाँ तक पहुँच चुका है। आपकी इंची के हिसाब से 2 इंची, यस। ऐसे ऑमलेट आपने नहीं खाए होंगे, उस जायके की ओर लेके चलूँगा और प्लेट को करूँगा प्रेजेंट आपके लिए और इस स्वाद को आज अच्छी तरह खिलाऊँगा, क्योंकि आप आए हैं स्वाद के सिकंदर के पास। और ऐसे जायके अंडों के अंदर अगर आपने खाने हैं तो आप पुरानी दिल्ली आइए और ऐसे ही जायकों का स्वाद उठाइए। आइएगा, प्लेट को करते हैं रेडी और आपको परोस के देते हैं वो ऑमलेट जिसका नाम है दौलत की चाट। जी हाँ, और फिर अपने बाबूजी का नाम, थोड़ा सा ऑर्गेनो फ्लेक्स, ये 2 चम्मच, 2 केचप्स, और आपके लिए प्लेट रेडी है। अगर आप भी कुछ ऐसा खाना चाहते हैं और आप ऐसे कुछ जायकों का स्वाद लेना चाहते हैं तो आप आइएगा पुरानी दिल्ली, जी हाँ, स्वाद के सिकंदर के पास। जी हाँ, ये रेडी है स्पेशल दौलत की चाट का ऑमलेट। ऐसे ही जायकों के लिए आपको आना पड़ेगा 4 बजे से लेकर रात को 11:30 बजे तक। आना है चावड़ी बाज़ार मेट्रो स्टेशन, अंदर रोड कट रहा है सीताराम बाज़ार, 20 से 25 दुकानें अंदर आएंगे, सीधे आपकी दुकान है सिकंदर ऑमलेट, स्वाद का सिकंदर। सिकंदर भैया ने तैयार कर दिया हमारी क्या अपनी स्पेशल दौलत की चाट, जो बनाने में मशक्क़त नहीं दिमाग की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आइए टेस्ट करते हैं उनकी मेहनत का क्या राज है और क्या वो रंग आएगा जितनी इन्होंने करी है इसमें मेहनत। आइए टेस्ट करते हैं। ये देख लीजिए भाई, इतनी फ्लपी, ये देखिए, इससे पता चल रहा है कि ये आमलेट है या क्रीम का, हाँ फ्लॉपी है ये, और ये क्या ये आमलेट है या फिर ये है केक जिस तरीके से। और इसको ये देखिए चम्मच से मैं कट कर रहा हूँ, ये कट कर दी और ये आ गई आमलेट भैया की। ये है 100 साल का तजुर्बा। अब खा के बताते हैं। संदीप बाबू वाली टैगलाइन है, वाह भाई वाह भाई वाह भाई वाह। वाकई में नाम सिकंदर नहीं है, स्वाद के भी सिकंदर है, लाजवाब टेस्ट है भाई, दिल खुश हो गया भाई। अगर आपको खानी है तो आप आ सकते हैं चावड़ी बाज़ार, सिकंदर भाई नाम, बच्चा बच्चा बता देगा यहाँ का नाम, यहाँ का पता, तो आइएगा ज़रूर एक बार।